हे ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। आपके पार्टनर इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होने वाला है, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ, क्या वो आपको बताएंगे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो आपको प्रपोज़ करेंगे, क्या वो आपसे एंगेजमेंट के लिए बात करेंगे या फिर वो आपसे कट ऑफ कर लेंगे, क्या चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चल रही हैं, यहाँ हम सब जानने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, उससे पहले हम रिचुअल करेंगे, वाटर चार्ज करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स से रेजोनेट ना करे, तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। और ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो आपके साथ जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिए। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें और मुझे एक्यूरेट मैसेज दें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन, उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपके पार्टनर के मन में अभी हिचकिचाहट है। हिचकिचाहट इस बात को लेकर है कि उनका अक्सर आपके साथ आर्ग्यूमेंट होता है, अक्सर आपके साथ नोकझोंक होती है, तो वो ये कसम कसम पड़ जाते हैं कि क्या आपका रिश्ता उनके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, क्या ये रिश्ता स्थायी होगा। इस तरीके के उनके मन में सवाल जवाब चलते रहते हैं, वो कसम कसम में फंसे रहते हैं, इनडिसाइजिव मोड में रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझे इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। उनको कभी कभी ये फील होता है कि आप हमारे व्यूअर्स उनको प्यार नहीं करते हो, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हो, इस तरीके की उनकी भावनाएँ होती हैं। समटाइम्स जब भी आप दोनों का आर्ग्यूमेंट होता है, उस वक्त तो वो ये सब बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं रिलेशनशिप को, वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा और वक्त दिया जाए इस रिश्ते को, थोड़ा और एक दूसरे को समझने की कोशिश की जाए, थोड़ा और नज़दीक आना चाहिए दोनों को, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए वो यही हो सकता है कि वो आपको और भी ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश कर सकते हैं, और भी ज़्यादा आपसे बातें कर सकते हैं, देर देर तक बातें करना हो सकता है कि अब उनकी हॉबी बन जाए, क्योंकि वो आपको परखना चाहते हैं। वे चाहते हैं या चाहती हैं कि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों को इमोशनल लेवल पर एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिज का भी सपना देखती हैं या देखते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैरिज जिंदगी भर का साथ है, जीवन भर का साथ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैरिज की है और दो दिन बाद तोड़ दें। तो एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें। इसलिए आपके पार्टनर ये नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं कि वो आपको और अच्छे से समझना चाहते हैं। और आपके पार्टनर का जो जोडियक साइन है डियर फ्रेंड्स, वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिज, लियो, सेज हो सकते हैं। उनके नाम के इनिशियल्स RMNSO
के एल बी हो सकते हैं। तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो यही होगा कि वो आपको और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए ये भी कर सकते हैं वो कि अपने किसी फ्रेंड्स से कहें कि वो आपसे बात करें, आपकी ओर इंटरेस्टेड हों, और ये देखना चाहेंगे कि क्या आप उनको छोड़कर उस दोस्त की ओर अट्रैक्ट होती हो, क्या आप उस दोस्त से फ्रेंडशिप बढ़ाती हो। ये भी आपके पार्टनर आपको जज करने के लिए कर सकते हैं। तो अवेयर रहिएगा, होशियार रहिएगा। अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आए या आपके प्रति कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज आए जहाँ पर कोई अननोन पर्सन आपको हाय हेलो करता है या आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता है, तो अवेयर रहिएगा। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर का कोई एक कारनामा हो, उनका नेक्स्ट स्टेप हो, उनका आपको जानने के लिए एक तरीका हो कि वो आपको अच्छे से पहचान सकेंगे, कि अगर आप उनके प्रति लॉयल होगी तो आप ऐसा कोई काम करोगी नहीं, आप किसी को भी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने का मौका नहीं दोगी, ऐसा वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं। आपकी पार्टनर अगर फीमेल हैं तो वो भी ये कर सकती हैं कि आपके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए अपनी किसी फ्रेंड को FB पर या किसी और तरीके से आपसे कांटेक्ट करने को कह सकती हैं, या उन्होंने कहा होगा ऐसा, या कांटेक्ट करवाया होगा, आपसे फ्रेंडशिप कराई होगी और ये चीज़ जानने की कोशिश की होगी कि आखिर आप किस टाइप के हैं, आप एक ही रिलेशनशिप में सीरियस हैं या फिर आप बहुत सारे फ्रेंड्स रखना चाहते हैं या चाहती हैं। तो बी अवेयर, सावधान रहिएगा। इस तरीके का अगर कुछ भी होता है आपके सोशल मीडिया पर तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा। आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। अगर आप उनके सच्चे फ्रेंड हो, अगर आप उनके सच्चे जीवन साथी हो, तो वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने ये सोच के रखा है कि वो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे, और जीवन को बहुत ही खुशनुमा गुजारने का उनका सपना है। लोगों की तरह घसीटना नहीं है लाइफ को, लोगों की तरह से दर्द में नहीं जीना है, उनको अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना है। बेशक उनके पास अर्निंग ज़्यादा ना हो, लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। उनको इस चीज़ का अच्छे से एहसास है कि खुशियों के लिए दोनों में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, दोनों में समझदारी होनी चाहिए, दोनों के बीच प्यार होना चाहिए। इंसान किसी भी सिचुएशन में अपना गुजारा कर ही लेता है। इस तरीके की आपके पार्टनर की थिंकिंग है। आपके पार्टनर गणेश जी के भक्त हो सकते हैं, गणपति जी को मानने वाले हो सकते हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स जो यहाँ पर हैं उनको गणेश जी में बहुत आस्था हो सकती है। और आपके पार्टनर को बच्चे भी बहुत पसंद हो सकते हैं, किड्स, छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे उनको बहुत पसंद होंगे, या आपको, हमारे व्यूअर्स को। समटाइम आपके पार्टनर डे ड्रीम देखते हैं। डे ड्रीम मतलब हैप्पी हेल्दी फैमिली, वो आप और उनका बेबी या बाबा जो भी हो, वो उनको बच्चे पसंद हैं, इसलिए वो एक बेटर फादर बनना चाहते हैं। उनका ये सपना है कि जब वो फादर बनेंगे तो एक बहुत ही अच्छे पिता बनेंगे, अपने बच्चों के लिए एक सपोर्टिव फादर बनके दिखाएंगे,
ऐसा उनका सपना है, ऐसा उनका ड्रीम है। और डे ड्रीमिंग बहुत देखते हैं, दिवा स्वप्न, जैसे कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखना। हालांकि ये रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, कमिटमेंट देंगे, लेकिन पहले ही इस रिश्ते को परखेंगे, बहुत ही तरीके से इसको परखेंगे कि क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है। ये अपने विचारों के लिए काफ़ी दृढ़ हैं, काफ़ी मजबूत विचारों के हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। दूसरों का इनके ऊपर कम ही असर होता है, दूसरे इनसे जो भी कहते हैं ये सुनते सबकी हैं बट करते अपने मन की हैं। और इन्होंने यही सोचा है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, यही सोचा है इन्होंने अपनी लाइफ के लिए कि ये जो करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आपके पार्टनर का जो अगला कदम है, जो उनका नेक्स्ट एक्शन है, वो यही हो सकता है कि वो आपको जज कर सकते हैं, वो आपको स्टॉक कर सकते हैं, वो आपके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर सकते हैं। खोद खोद कर, कहते हैं ना कि खोद खोद कर गड़े मुर्दे निकालना या खोद खोद कर जानकारी निकालना, इस टाइप के कुछ उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है आपके लिए। तो सावधान रहिएगा, अवेयर रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। अब हम कुछ उनकी ओर से मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुछ हमने स्विच वर्ड्स लिए हैं, कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस लिए हैं, और कुछ यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस लिया है। तो सबसे पहले यूनिवर्स का गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर का मैसेज चेक करेंगे। यूनिवर्स के मैसेजेस आ चुके हैं, देखते हैं कि क्या है वो। ओके, स्टॉप लिस्निंग टू सैड म्यूजिक। तो अगर आप सैड म्यूजिक सुन रहे हैं आजकल, तो उसको बंद करिएगा। सैड म्यूजिक सुनने से आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका ऑरा वीक हो सकता है। तो प्लीज स्टॉप लिस्निंग टू सैड म्यूजिक, गो ऑन वॉक्स रन। आपको रन करना है, वॉकिंग करना है, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। ये यूनिवर्स के मैसेज हैं आपके लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर का क्या मैसेज है आपके लिए, उसके बाद हम कीवर्ड्स चेक करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो हर सुख दुख में आपके साथ हैं। आई लव योर स्माइल, वो आपकी स्माइल को बहुत पसंद करते हैं। कम विथ मी, तो आपसे कह रहे हैं कि मेरे साथ रहो, दोनों ही बेटर लाइफ स्पेंड करेंगे। अगला है आई नीड यू, तो वो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर। अब देख लेते हैं कि स्विच वर्ड्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, क्या स्विच वर्ड्स हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या स्विच वर्ड्स आप देना चाहती हो। थैंक यू। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए दो मैसेज आए हैं, स्टॉप लिसनिंग टू सैड म्यूजिक, गो ऑन वॉक्स रन, और हेल्थ इन्वेस्ट। तो अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो मन में आता है वही खा लेते हैं, जब मन होता है तब सो जाते हैं, जब मन होता है तो उठ जाते हैं। तो यूनिवर्स का कहना है कि अपनी लाइफ को सेट कीजिएगा, एक रूटीन बनाइएगा, वरना आपका बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, कोई बड़ी बीमारी से आप घिर सकते हैं। और इन्वेस्ट, अगर आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं या अपने एनर्जी फालतू की चीज़ों पर, सैड म्यूजिक सुनने में या
लोगों की गॉसिपिंग में खर्च कर रही हैं तो उसको सेव करना सीखिए। कुछ टाइम अपने साथ बिताइए, क्वालिटी टाइम, एकांत में रहिए, कॉन्टम्पलेट करिए। ये स्विच वर्ड्स हैं बैटल बी बिकम। तो आपको अपने आप को एनर्जाइज करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। जैसे युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए योद्धा एकदम से मस्कुलर होता है, स्ट्रांग होता है, उस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। बी, आपको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग रहना है हमेशा। अपने खान पान पर ध्यान देना है और अपने रूटीन को चेक करना है। बिकम, इसके बाद आप इस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और इंटरनल, आपको सबसे पहले अपने आप से जुड़ना है, अपने आप को ग्रो करना है और कॉन्टम्पलेट करना है, ध्यान करना है। अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, शांति नहीं है, तो उसको पाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो है कॉन्टम्पलेट, ध्यान करिए। फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।